नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ईवीएम से पैदा होने वाले अपने आप को राजा मान लेंगे तो अनुप्रिया पटेल को राजा भैया का करार जवाब। यूपी में लोकसभा चुनाव का घमासान चरम पर है, नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चली है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान पर चुप्पी तोड़ते हुए जनसत्ता दल के प्रमुख उर्फ राजा भैया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजा या रानी अब पैदा होने बंद हो गए हैं। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। और ईवीएम से पैदा होने वाले यदि अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। जनता जनार्दन ईवीएम का बटन दबाकर आपको ये अवसर देती है कि आप मेरी सेवा करें, क्षेत्र की सेवा करें। राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया। कुछ कुंठित लोग हैं जो इस बात को करते हैं, उनसे हमको कोई शिकायत नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक जनसभा में कहा था कि लोकतंत्र में राजा रानी की पेट से पैदा नहीं होता है, अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर। उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास बहुत बड़ा और सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस बार ईवीएम का बटन दबाने जाएं तो याद रखिएगा कि केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है। केंद्रीय मंत्री का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया गया। किसी दल का समर्थन नहीं कर रहे राजा भैया। रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया इस चुनाव में किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद यूपी के सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें लग रही थी, लेकिन हाल में जनसत्ता दल की एक बैठक के बाद राजा भैया ने ऐलान किया कि वे किसी दल का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जनसत्ता दल से जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अपनी इच्छानुसार सोच समझ कर मतदान करने के लिए कहा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।